सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स बाय रस्किन बॉन्ड। ये रस्किन बॉन्ड की एक शॉर्ट नॉवेल है, यानी कि इसे नॉवेला कह सकते हैं हम। स्टोरी को शुरू करने से पहले इसके करेक्टर्स को जान लेते हैं ब्रीफ में। रूथ लेबाडोर सबसे पहला करेक्टर, ये इस नॉवल की नरेटर है। मरियम लेबाडोर मदर ऑफ रूथ लेबाडोर, यानी कि रूथ लेबाडोर की माँ है। तीसरा करेक्टर है एनेट लेबाडोर, ये रूथ की ग्रांड मदर है। मीन्स यहाँ पर जो मेजर करेक्टर है वो रूथ है और यही नरेटर है और यही प्रोटागोनिस्ट है। लाला रामजीमल ये फोर्थ करेक्टर है, ये है फ्रेंड ऑफ लेबाडोर फैमिली, यानी कि ये फ्रेंड है लेबाडोर फैमिली का। फिफ्थ मेजर करेक्टर है जावेद खान, ये एक करेजियस पठान है, यानी कि बहादुर पठान है जिसे प्यार हो जाता है रूथ लेबाडोर से। नेक्स्ट करेक्टर है खान बेगम का। खान बेगम जावेद खान की वाइफ है, यानी कि जावेद खान पहले से ही शादीशुदा है और उसको जो है वो रूथ लेबाडोर से प्यार हो जाता है। इस स्टोरी को समझने के लिए यही काफ़ी करेक्टर्स हैं कि जो सेटिंग है वो सेटिंग रखी गई है 1857 में, यानी कि तब जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। और ये नॉवल पब्लिश होता है 1978 में। अगर हम इस नॉवल की स्टोरी के बारे में बात करें तो ये स्टोरी है एक फैमिली की, जो एक ब्रिटिश फैमिली है, जो फैमिली है रूथ लेबाडोर की। और ये फैमिली हिंदू और मुस्लिम लोगों की हेल्प लेती है जब उनके घर के फैमिली मेंबर्स को 1857 की क्रांति में मार दिया जाता है। वो मदद लेती है अपने रिलेटिव्स तक पहुंचने के लिए, यानी कि सेफ जगह तक पहुंचने के लिए वो हिंदू और मुसलमानों का साथ लेती है, हेल्प लेती है। इस स्टोरी पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है जुनून। इस नॉवल की स्टोरी को अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है रूथ लेबाडोर के फादर की डेथ से। उसके पिता की डेथ चर्च में रूथ की आंखों के सामने कर दी जाती है। जो लोग ये मर्डर करते हैं वो 1857 यानी कि 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी माने जाते थे। इन क्रांतिकारियों ने डिसाइड किया है कि वो शाहजहानपुर, जो एक छोटा सा गांव है, उसके सभी ब्रिटिश निवासियों को ढूंढ ढूंढ कर मार देंगे। इसके बाद मरियम लेबाडोर रूथ लेबाडोर की माता जी हैं, उनको इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड लाला रामजीमल से हेल्प मांगती हैं। लाला रामजीमल उसे अपने घर पर रहने देते हैं क्योंकि लाला रामजीमल जो हैं वो लेबाडोर फैमिली के अच्छे मित्र हैं। रूथ लेबाडोर की फैमिली जिसमें 6 लोग होते हैं उस टाइम उस हमले से बच जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक पठान आता है जिसका नाम होता है जावेद, और ये जो पठान है यानी कि जावेद जो है वो अपनी कम्युनिटी का लीडर होता है। उसको ये पता चल जाता है कि रूथ फैमिली लाला रामजीमल के घर पर ठहरी हुई है। इसका मतलब होता है कुछ विदेशी, या कह सकते हैं कि कुछ दुश्मन जो हैं लाला रामजीमल के घर पर छुपे हुए हैं। जावेद लाला के घर पर आता है और फोर्सफुली रूथ और उसकी मदर मरियम लेबाडोर को अपने घर पर ले जाता है। इसके बाद इस नॉवल में रूथ लेबाडोर की फैमिली के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर किया गया है। मतलब अब कहानी पास्ट में चलती है, जो कुछ उन्होंने इंडिया में फेस किया था, यानी कि उन्होंने जो कुछ देखा इंडिया में, जो कुछ एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में ये कहानी चलती है। इसके बाद में लेबाडोर फैमिली जो कि जावेद के घर पर है, जावेद के घर वाले उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। और इसी बीच जावेद खान को रुत से लव हो जाता है और मरियम जो उसकी माँ है वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो रुत की शादी उससे कर दे, लेकिन मरियम ऐसा नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि रुत जावेद खान से शादी करे, लेकिन वो सिचुएशन को देखते हुए डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकती। मरियम शादी के लिए एक शर्त रखती है कि अगर ब्रिटिश लोग इंडियंस को हरा देते हैं, मतलब ब्रिटिश लोग भारतीय क्रांतिकारियों को हरा देते हैं, तो तब जावेद खान रूथ से शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर भारतीय क्रांतिकारी ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं दिल्ली में, तब अपने आप जावेद खान की शादी वो रूथ से करा देगी। ये शर्त मरियम लेबाडोर, रूथ लेबाडोर की माँ जो है वो जावेद के सामने रखती है और जावेद इससे एग्री हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद ब्रिटिशर्स उस आंदोलन को दबा देते हैं और सारा का सारा जो है वो चार्ज अपने हाथों में लेते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, जावेद खान वहाँ से चला जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। मरियम लेबाडोर बड़ी मुश्किलों में अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेटिव्स तक पहुँच जाती है और इसी के साथ में ये नॉवल, जो छोटा सा नॉवल है, वो ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव ए नाइस डे।